भोजन की तलाश में सभी जीव निकलते हैं। ऐसे में जब आप जाने अनजाने में जो है उसको छेड़ देते हैं, तभी आपके ऊपर खतरा हो जाता है। वो अपने बचाव के लिए बाइट करते हैं और देखिए दोस्तों, बरसात में जब सभी जगह पानी भर जाता है, तभी ये जीव जो है घर की तरफ भागते हैं और हमें ऐसे में अपने घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। भैया निकलेंगे कहाँ से? निकलने का है कोई रास्ता? दोस्तों देखिए, इस तरह से हमें तार को नीचे करके निकलना पड़ रहा है। बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे में देखिए हमें भी अपने लिए खतरा महसूस होता है और लोगों की मदद करना है तो हमें हर तरह से जो है उनकी मदद के लिए हमें जाना पड़ता है और उनकी मदद करना पड़ता है। देखते हैं हम सुरक्षित निकल पाते हैं, क्योंकि हमारा पैर जो है फंस चुका है घने तारों के बीच में। देखिए हम आपको, चलिए किसी तरह तो निकल गए, आइए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए कितना हरा भरा जंगल है, खेतों में जो है धान की बेड़ रोप दी गई है। कितना अच्छा लगता है हरा भरा मौसम, कितना अच्छा लगता है। इस हरियाली को देखने के लिए लोग शहरों में तरसते हैं। यही है गांवों का माहौल। गांवों में ऐसे ही हरियाली पनपती है और लोग भी हरे भरे बने रहते हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर जो है, हाँ भैया कहाँ पर है ये पुराना सांप जो बता रहे थे आप? अच्छा आगे है, अच्छा अच्छा चल रहे, चलिए चलिए आप आगे आगे चलिए, हम चल लोगों को हरे भरे मौसम का नज़ारा देते हुए। देखिए ये सहतूत का पेड़ है, इसमें अभी फल तो नहीं है लेकिन अभी पत्ते, हरे भरे पत्ते हैं, पेड़ है। देखिए इस पत्ते को पहचानिए, ये सहतूत का वृक्ष है। इसमें बहुत मीठे मीठे काले और लाल फल मिलते हैं, कुछ हरे भी फल होते हैं लेकिन इसमें ये काले और लाल फल होते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। और देखिए मित्रों, ये आंवले का वृक्ष है, ये आंवले का वृक्ष है, ये आंवले की पत्तियां हैं, अभी नया पेड़ लगाया गया है। और ये कपास का पेड़ है, ये कपास का पेड़, ये अच्छा नज़ारा है। सुंदर सुंदर हवा चल रही है, बहुत सुंदर हवा चल रही है। मित्रों ये नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ से हमें वातावरण में शुद्धता मिलती है और ये नीम हमारे कई औषधियों में से एक गिना गया है। बहुत सुंदर नज़ारा है मित्रों।
देखिए इन्होंने बहुत अच्छी जो है व्यवस्था की है, इसी तरह हरा भरा रखना चाहिए हमें अपने परिवेश में। जहाँ भी रहें कुछ पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, जिससे हमारा जो है वातावरण शुद्ध रहेगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। देखिए कितना अच्छा नज़ारा, अरे कांटा लग गया, इसको एक तरफ डाल दें।